ये वाला रास्ता सर डांग नाला से चूंटा भरी जा रहा है, मैलीपुरा से निकल कर चूंटा भरी जा रहा है सर। इसमें रास्ते का नाम ही है, आज से पहले सन 2005 में इसका काम चल रहा था, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ है। सर ये बिंदीपुरा से डांगरनार हमारी एक पंचायत है, वहाँ तक जाता है, उसे आगे नाले तक जाता है रास्ता, मगर इसमें देखो सर ये घोड़ों का रास्ता है और इसमें कोई आदमी चलने का रास्ता नहीं है। डीडीसी को मैंने घर में बुलाया, मैंने बोला आपका ट्रेन तो चला गया है, आप बताओ अवाम का क्या काम किया है, चेचीनार से लेकर हलमतपुरा से लेकर डांगनार से लेकर चूंटावारी से लेकर, चलो कैरसन का क्या बोल सकूं, उनका आपस में एक ही रास्ता है, डीडीसी और बीडीसी का एक ही रास्ता है, तो उनका क्या बोल सकूं, उन्होंने लिया होगा अपने लिए कुछ, लेकिन हमारे इतने गाँव में कुछ भी नहीं है, सबूत करें ना क्या दिया है। लेकिन पहले हमारा जो बीडीसी है पहले सरपंच था, अवाम ने बनाया, पहले सरपंच था फिर बीडीसी बन गया, क्या काम दिया अवाम को, वो हिसाब दे देना उसे क्या किया, छह साल क्यों लोग आवाम की जाया की। बांडीपुरा के आलूसा डांगनाड व चोंटावारी इलाके से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा करते हुए कहा कि बिल्लीपुरा से डांगनाड के बीच गुजरने वाली सड़क की हालत काफी खस्ता होने की वजह से मुकामी लोगों को रोज शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इन्होंने कहा कि अगरचे इस सड़क की तामीर के हवाले से मुतलका महकमों डीडीसी व बीडीसी मेंबरान से कई बार रब्ता किया गया, ताहम किसी ने भी इस सड़क की तामीर के हवाले से कोई मौसर इकदाम नहीं उठाए, जिसकी वजह से आए दिन इस सड़क की बदहाली से मुकामी लोग सख्त परेशान हो रहे हैं और इन लोगों को घंटों की दिलखराश मसाफत अपने घरों तक पहुंचने के लिए तय करना पड़ता है और यहां का तरक्याती मंजरनामा देखने के बाद पछतावा होता है। इधर और एक मुकामी बाशिंदे ने कहा कि इस बात में कोई शक नहीं कि इंतजामिया डीडीसी व बीडीसी मेंबरान यहां की जमीनी सूरत हाल से बखूबी वाकिफ है, लेकिन न जाने किन वजूहात की बिना पर इस तरफ अदम तवज्जह और लातुलाल से काम लिया जा रहा है। इस सड़क की हालत बद से बदतर होती जा रही है और ये सड़क आवाम के लिए एक मुसीबत के सिवा कुछ भी नहीं है। यहाँ के लोगों की जिंदगी का सिलसिला थमसा जाता है क्योंकि हर मौसमी सूरत हाल में आमदो रफ्त में मुश्किलात का सामना है। इन्होंने यूटी इंतजामिया और जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर ओएस अहमद से लोगों की मुश्किलात का अजाला करने की गुजारिश की। मौसूक ने अपना मुतालबा दोहराते हुए कहा कि आवाम की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए बिल्लीपुरा से डांगरनाड की सड़क की मरम्मत और डांगरनाड से चोटावारी इलाके के लिए सड़क की तामीर की जाए। यहाँ पर सर 1000 चूल्हा चोटावारी का, करसन का 1000 चूल्हा है, 300-400 चूल्हा डांगरनाड का है सर। इसके बीच में कहीं भी घूम कर देखो घोड़े के बिना रास्ता कहीं भी नहीं है सर। हम मजबूर हैं, हम तंग आने की वजह से हमने आपको बुलाना पड़ा, तो मेहरबानी करके सर प्लीज़ डीसी साहब से मैं अर्ज़ कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से भी अर्ज़ कर रहे हैं कि जगह जगह मर रहे, क्या इन लोगों की कौन सी गलती है, कौन सी क्या, ये तो कहीं गैर मुल्की तो है नहीं है, ये भी इसी कश्मीर का अंग है, इसी कश्मीर का हिस्सा है, तो सर हम हाथ जोड़ के ये कहते हैं डीसी साहब से भी कि थोड़ा सा प्लीज़ इसके ऊपर ध्यान दें। ये वाला रास्ता सर डांगनाल से चूंटा भरी जा रहा है, मैलीपुरा से निकल कर चूंटा भरी जा रहा है सर। इसमें रास्ते का नाम ही है, आज से पहले सन 2005 में इसका काम चल रहा था, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ है। सरपंच को बोला डीडीसी बीडीसी को बोला, उन्होंने पहले बोला हमने पीएमजी को दे दिए, उसके बाद बोला पता नहीं किसको दे दिए, तो लबाड़ वालों को दे दिए, तो अभी हमने फ़ोन कल परसों मैंने सरपंच को फ़ोन किया, उसने बोला मैं झूठ नहीं बोलूँगा, इसका आगे कोई कागज़ बनाए नहीं है। सर ये बिंदीपुरा से डांगरनार हमारी एक पंचायत है, वहाँ तक जाता है, उसे आगे नाले तक जाता है रास्ता, मगर इसमें देखो सर ये घोड़ों का रास्ता है और इसमें कोई आदमी चलने का रास्ता नहीं है। जब भी हम यहाँ मिराज साहब ने कहा कि मतलब कोई मुलाजिम आता नहीं है, मुलाजिम क्या आएगा जब गाड़ी उसको बिंदीपुरा में रखनी पड़ती है, फिर वो पैदल आता है, या तो उसको सूटा कैरसन में मोड़ में रखकर वो पैदल आते हैं, यहाँ तो बालू का भी खतरा होता है, वो यहाँ आते इसीलिए डर के मारे यहाँ कोई मुलाजिम आता नहीं है। हमारा एक ब्रिज है वहाँ, वो भी पूरा डैमेज हो चुका है, जो कि दो गाँव का जोड़ने वाला है, सूटावारी और डांगरनार का, और बाकी आपने रोड का हाल देख लिया, हमारी रोड का क्या पोजीशन है, ये तो गवर्नमेंट की भी है जो पंचायत है, ये तो हर किसी का हक बनता है। इसमें आज तक हम देखते रहे कोई करेगा, लेकिन इसमें कोई करने वाला नहीं है। जो बोलने वाले हैं तो वो सब आपने आंखों के सामने सब कुछ देखा है, लेकिन अगर इससे आगे ये पंचायत बनी है भी पंचायत, क्या पंचायतों की यही हालत होती है, नीचे वाली जितनी भी पंचायत हैं देखो उनमें टायर लगे हुए हैं, क्या हमारी पंचायत में तो वो चूहे भाग रहे हैं तो वो बालू भी नहीं आएगा, वो भी डरेगा बोलेगा ऐसी पंचायत है। उन लोगों को शर्म होना चाहिए जिन लोगों को हमने हुक्मरान बनाए, बीडीसी है हमारा, डीडीसी है मलनगाम वाली मेवा जान, उसने क्या किया है वो बताए, उसने सब ने जिताया उसको, उसको उस इज्जत को संभाल कर रखना था, वो लोगों ने अपनी खिदमतगारी के लिए
बनाई थी। वो बोले ना उसे क्या खिदमत की लोगों की, जैचिनार में आपने फंडस में से क्या दिया, हमें सब पता है आगे से बीडीसी की फंडस क्या आती है, पंच सरपंचों की फंडस क्या आती है, इसकी डीडीसी की फंडस क्या आती है, हमें सब पता है। चलो इसे आगे मैं कहीं भी नहीं जाती थी, आज मैं श्रीनगर दफ्तर तक मैं भी घूमती हूँ, मुझे भी रस रस की खबर है किसको क्या आता फंडस है, किसको क्या फंडस है। क्या आवाम के लिए कुछ नहीं है? पहले तो ये काम करते हैं, वोटिंग के लिए आते हैं तो दरवाजे दरवाजे पे घूमते हैं, लोगों की मिन्नतें तो आजियाँ करते हैं, फिर जो बेचारा टांगों के बिना ही होगा उसको उठा लेते हैं, आप वोट डाल दो तो हम उठा कर जाएंगे, कोई चिंता नहीं है। उसके बाद क्यों नहीं आवाम को पूछते हैं? उसके बाद आवाम का इजाला क्यों नहीं करते हैं? को किसी को रोड नहीं है, किसी को पुल नहीं है, किसी को रास्ता नहीं है, ये तो आवाम की मुश्किलें यही होती है ना। ये तो नहीं हम बीडीसी को नहीं बोलेंगे, हम डीडीसी को ये तो नहीं बोल रहे किसी को घर में आप चीनी चावल डाल दो या और कोई चीज़ डाल दो। आवाम की मुश्किलें यही होती है। आप देखो पंचायत का रास्ता, इनके घरों में अगर मैग्नम रोड गई है दरवाजे से अंदर, एक मजलूम आवाम के लिए क्यों नहीं है? मजलूम आवाम एक मुंडे टुंडे इंसान के लिए क्यों नहीं कोई काम आया, क्यों नहीं हुआ? इन लोगों का आवाज़ उठाना इनका फर्ज बनता था, इनका फर्ज था लोगों की आवाज़ उठानी, लोगों ने अपनी आवाज़ के लिए इनको इज्जत दी थी। एक मुंडा एक इंसान है, एक कला एक इंसान है, उस इंसान ने इनको इज्जत दी है। मेरी अपील है, मेरी रिक्वेस्ट है डीसी साहब को, मैं बोल रही हूँ मैं दो दिन के अंदर अंदर मैं डीसी साहब के पास जाऊँगी, मेरी तरफ से मुबारक है इसमें शुपियन में सफिया डीडीसी को, मेरी तरफ से मुबारक है इसको कुपवारा में डीडीसी को। आप तो आज छोटे छोटे बच्चे भी देख रहे हैं फेसबुक पे, रात जो काम इशू होते हैं उनको देखते हैं ना, हर कोई देखता है। वो ज़माना चला गया जिस ज़माने में लोग अंदरों में बैठे हुए थे, आज सबको पता है कहाँ क्या हो रहा है।